दर्शकों, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि ये आज़ाद कप 2018 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है मुजफ्फरपुर बनाम मधुबनी के बीच। टॉस हो चुका है, मुजफ्फरपुर टीम के कप्तान आशीष ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। दो ओपनर बल्लेबाज। और पहली ही गेंद लेग स्टंप को छकाती हुई निकली, वाइड का इशारा अंपायर अमित रंजन का, तो यहां पर खाता खुला। चिरंजीवी को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और टीम मुजफ्फरपुर का खाता भी खुल गया वाइड के जरिए। अमन सिंह की पहली गेंद वाइड, एक रन। पहले ओवर को लेकर आए हैं अमन लंबे कद के बेहतरीन गेंदबाज। और फिर से इस ओवर में दूसरी दफा अपनी दिशा लाइन लेंथ से भटके एक और वाइड का इशारा अंपायर अमित रंजन का, और इस अतिरिक्त रन के जरिए मुजफ्फरपुर टीम का कुल योग है 2 बगैर किसी नुकसान के। ये फाइनल मुकाबला यूट्यूब चैनल के दर्शकों आप देख रहे हैं, मधुबनी बनाम मुजफ्फरपुर। टॉस हो चुका है, दो ओपनर जोड़ी चिरंजीवी और हिमांशु पिच पर मौजूद। अमन राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए और सीधी रहती हुई गेंद पर अपने बाएं पांव को आगे बढ़ाया, अपने सामने दबाया। सुबह का वक्त है, बैट्समैन काफी वक्त लेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे। 5 ओवर आज ज्यादा बढ़ा के मैच किया जा रहा है, तो ये बातें भी बैट्समैन के दिमाग में होंगी। अमन चिरंजीवी के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, बाहर की तरफ गेंद और सीधे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद आई थी, गैप नहीं ढूंढ पाए। काफी तेज रफ्तार से गेंद क्षेत्ररक्षक के पास आई थी। इको अगर डाल दिया गया है रामदत्त जी, तो इको कम कर दीजिए, प्लेन रखा कर दीजिए मेरे आवाज में। इको ऐसे ही बन जाता है ग्राउंड में, इको की जरूरत नहीं है। अमन और इस सीधी रहते हुए गेंद को जांचा परखा और जाने दिया विकेटकीपर के सुरक्षित दास्तानों में। जहां तक प्रश्न आज की मौसम का, लाजवाब मौसम है। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि फॉग शायद अपना कहर यहाँ पर जारी रखे, लेकिन सूरज भगवान ने कहा कि नहीं, मैं आज अपने कंबल को फेंक कर इस मैच को देखने आऊँगा। तो भगवान भास्कर भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। क्या खूबसूरत समा है भाई, कितना अच्छा लगता है हमारे बिहार के क्रिकेटर को मंच देने के लिए सुशील कुमार आजाद ऐसे आयोजन करवाते हैं। ये सिर्फ मुकाबला या कोई टूर्नामेंट नहीं है मित्रों, एक मंच है, और इस मंच से बिहार के क्रिकेटरों को आगे के मौके मिलते हैं, आगे बढ़ने के, बिहार टीम में जगह बनाने के मौके मिलते हैं। एक बार फिर से अमन की गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पर थी, आगे आए, गेंद को अपने सामने दबाया। कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहेंगे, सुबह का वक्त है, फाइनल मुकाबला है आजाद कप का। इनामी राशि 51,000 और 31,000, विनर और रनर, और साथ ही साथ प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच के 1100, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द फाइनल, मैन ऑफ द सीरीज। अमन हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा, शॉर्ट लेग की दिशा में, एक रन लिया। और अब जाकर बल्लेबाज के बल्ले से यह पहला रन बना, और पहले रन बनते बनते ये ओवर भी संपन्न हो गया। तो मैं इनामी राशि के बारे में बता रहा था मित्रों, लगभग 1,25,000 रुपये
शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ कैश प्राइज बांटे जाएंगे और जो ट्रॉफीज दिए जाते हैं लगभग उसमें 40-45 हज़ार रुपये खर्च होते हैं उन ट्रॉफीज को बनवाने में, और बाद बाकी जो रहने खाने पीने की व्यवस्था आप गिनती नहीं कर सकते हैं। ये आसान होता नहीं है आयोजन। आप देखने आते हैं, बिल्कुल आप यहाँ की शोभा बढ़ाते हो, लेकिन जो अंदरूनी बातें हैं किस तरह से आयोजन होता है उसके बारे में बताना मेरा कर्तव्य है। ऐसे महान आयोजन आसान नहीं होते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, और जहां पर आप सुशील आजाद को देखना चाहते हैं वहां तक पहुंचा दिया जाए इन्हें। एक नया ओवर शुरू होता हुआ, रंजन आए हैं, लंबे कद के रंजन नेशनल हाईवे एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे और उनके सामने होंगे हिमांशु, माफ करेंगे चिरंजीवी, एक रन लिया था, चिरंजीवी ही हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद को खेला है, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखा रहे हैं बल्लेबाज। आपने देखा सुपौल या पटना की टीम किस तरह से कॉलेप्स कर गई थी, वजह बस एक, बगैर जांचे परखे गेंद को हवाई शॉट लगाने की कोशिश में वे आउट हुए थे। रंजन की गेंद आखिरी वक्त में बल्ले को अड़ाया, गली की दिशा में गेंद गई थी। सारी गेंदें अब तक चिरंजीवी ने खेली हैं और हिमांशु पिछले दो मैच के हीरो, एक में 16 गेंदों में 50 मारी, दूसरे में 187 रन बना दिए थे हिमांशु ने। एक लंबा शॉट, बहुत ही लंबा शॉट, डीप मिड विकेट की दिशा में उठा दिया है 6 रनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और वाइड का इशारा आया है राजीव मिश्रा जी की तरफ से, तो अब रन की संख्या हो गई दहाई अंक में प्रवेश कर गए हैं रन 10 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है मधुबनी की तरफ से, टॉस जीता था मुजफ्फरपुर टीम के कप्तान आशीष ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बताने की जरूरत नहीं, तमाम दर्शकों ने भी देखा कि क्या हुआ। इस बार फिर से वाइड गेंद डाल दी गई और ये मैट से बाहर की तरफ टप्पा पड़ी थी, तो दो लगातार अतिरिक्त रनों के जरिए टीम मुजफ्फरपुर का कुल योग चला गया 11 बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर डाला जा रहा है, 35-35 ओवर्स के मुकाबले आप देख रहे हैं दोस्तों, और इस बार परिवर्तन के तौर पर मिड लेग स्टंप की तरफ ये गेंद आई थी, टर्न किया है और जब तक दूर डीप मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे को बदलना मुनासिब समझा और रनों की संख्या को पहुंचा दिया, ठीक एक दर्जन यानी 12 रन बन गए हैं। क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, लाजवाब भाई, आपने तो दिल जीत लिया। अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज और पहली गेंद में ही पिछले मैच के धर्मवीर हीरो, शहंशाह, बादशाह, मुकद्दर का सिकंदर हिमांशु, 187 रन बनाए थे हिमांशु ने, उन्हें छकाया है।
دوسری دفعہ بھی یہاں پہ ہیمانشو کو مجبور کیا تھا کہ میں باہر گیند ڈالوں گا, آپ بلہ چلائیں. لیکن بلے پر گیند آتی تو کسی سلپ کے شیتر رکشک میں گیند جاتی نہیں متروں, بالکل سلپ کا شیتر جو تھرڈ مین کی دشا میں خالی ہے اس کے اوپر سے بھی گیند نکل جاتی. اتنے زور سے بلے کو بھانجا تھا, بلے کو چلایا تھا ہیمانشو نے. تو ایک اور اوور سمپن ہوتا ہوا کل رنوں کی سنکھیا دو اوور کی سماپتی کے پشچات مظفر پور 12, جہاں تک بلے بازی کا پرشن تو چرنجیوی کھیل رہے ہیں. 8 کے نجی یوگ پر 10 گیندوں کا سامنا کیا. ہیمانشو کا اپنا کھاتا کھولنا باقی ہے, آپ بھی کھاتا کھولیں تو کسی بینک میں کھولیں. نن بینکنگ کمپنیاں, فرضی کمپنیاں جو آپ کے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں, ان کے چکر میں کبھی نہ پھنسیں. اگر آپ کے شہر میں کوئی ایسی کمپنی ہے تو اس کی سوچنا تھانے میں دیں. آپ بہت ہی اچھی بلے بازی, بہت ہی اچھی ویوستھا, بہت ہی اچھی کرکٹ. میں کیا بتاؤں, پچھلے سال سے اس سال آپ کا آیوجن اور بھی کھلا کھلا لگ رہا ہے, اور ساتھ دیا ہے اس میں موسم بھی نے. سورج بھگوان پرتیک میچ کو دیکھنے آئے ہیں. پچھلے سال پتہ نہیں چھپ جاتے تھے رجائیوں کے اندر, لیکن آفتاب اپنی چمک بکھیر رہا ہے. امن سنگھ اپنے اوور کو بڑھا رہے ہیں, دوسرے اوور کو بڑھا رہے ہیں. رائٹ آرم اوور دا وکٹ. اور یہاں پہ گیند بجلی کی رفتار سے اسکوائرش تھرڈ مین کی دشا میں چلی گئی 4 رنوں کے لیے. یہ لگا شاندار چوکا. دس فوڈ از بروٹ یو بائی بی پی فوڈ اسٹف, تارکیش کھڑا سونا مسالہ. اور ایک بار پھر سے امن چرنجیوی کے لیے. اور پھر سے یہاں پر کافی نیچی رہی تھی گیند, امید نہیں کہ بلے باز نے کہ یہ گیند نیچی آئے گی, اتنے نیچے آئے گی. اور آخری وقت میں ان کا بلہ گیند سے ٹکرایا اسکوائر لیگ کی دشا میں, یا کہیں تو ڈیپ مڈ وکٹ چھیتر میں گیند چلی گئی تھی. بلے بازوں کے پاس وقت 2 رن لینے کا. اور آشچر اس بات کی متروں آپ بھی کر رہے ہوں گے کہ ہیمانشو نے اب تک اپنا کھاتا اس لیے نہیں کھولا کہ جو 2 گیند انہوں نے کھیلی دونوں گیندوں میں وہ بٹ ہوئے تھے, بلے پر گیند آئی نہیں. 14 رن چرنجیو, مظفر پور 18 بنا کسی نقصان کے. اوور 3 امن. رائٹ آرم اوور دا وکٹ. یس امن کی کچھ گیندیں چالاکی کرتے ہیں, کچھ گیندوں میں شارٹ آرم کھینچ لیتے ہیں ہاتھوں کو. بلے باز کو لگتا ہے کہ میرے پاس گیند چلی آئی, لیکن گیند ان کے پہلے ٹپا کھاتی ہے. تو اس بار چھکایا بلے باز کو امن نے. بلے باز چرنجیوی ہیں, 14 پر بلے بازی کر رہے ہیں, اور جن کا نام چرنجیوی وہ کبھی بجھتا نہیں اس کا دیپک. اور یہاں پر ایک غلطی کی تھی بلے باز نے, شکر منائیے کہ وکٹ کیپر نے کوئی سلپ نہیں لیا تھا, کپتان نے کوئی سلپ نہیں لگایا تھا, انیتھا ایک آسان سا کیچ فرسٹ سلپ میں یہ چلا جاتا. ایسی غلطی ہمارے بھارتیہ اپ مہادویپ کے جتنے بلے باز ہوتے ہیں, چاہے وہ پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا کہو, ایسی غلطیاں وہ کرتا ہے شری لنکا, ودیشوں میں جب وہ ٹیم جاتی ہیں اور باہر جاتی گیندوں پر چھیڑ خانی کرنے کے چکر میں بڑے بڑے بلے بازوں کے دیے ہم نے بجھتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ تو ہمارے بہار کا چرنجیوی ہے, بہار کے لال ہیں آپ لوگ,
बिहार की शोभा है। शानदार खेल दिखाते रहिए, आपके लिए रणजी ट्रॉफी और 23-19 का दरवाजा खुला हुआ है। अमन, बहुत ही अच्छी शॉट, तेज रफ्तार से गेंद आ रही है कमेंट्री बॉक्स की दिशा में, लेकिन थोड़ी सी रफ्तार धीमी शॉट की, और जब तक गेंद फील्ड होती ओवर भी संपन्न हुआ, एक रन भी बने, 23 रन। तीन ओवर की समाप्ति के बाद मुजफ्फरपुर का कुल स्कोर, जबकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है मुजफ्फरपुर टीम के कप्तान आशीष ने। चिरंजीवी 19 पर खेल रहे हैं, हिमांशु का अभी खाता खुला नहीं है। यूट्यूब चैनल के दर्शकों, मैं बता दूं, मैं बिहार में हूं और बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में फूलपरास एक जगह है, और फूलपरास में सुशील कुमार आज़ाद का ये आयोजन दूसरी दफ़ा हो रहा है आज़ाद कप के नाम से, जो BCA द्वारा रजिस्टर्ड है। वहीं से मैं आंखों देखा हाल आपके लिए पेश कर रहा हूं। सुशील कुमार आज़ाद के इस टूर्नामेंट में 8 टीमें खेलती हैं, नॉकआउट होता है, नॉकआउट के मैचों में 7 मैच होते हैं, आज आखिरी मैच है। साल को विदाई देने का अंदाज सुशील कुमार आज़ाद का निराला है। हम तो चाहेंगे नए साल के लिए भी कुछ सोचें। ये इस बार सही तरीके से खेला, स्लिप में आए थे धनंजय बल्लेबाज, जान चुके हैं कि अब स्लिप ले ली गई है, गली लगा दिया गया है। सवेरे के वक्त में कोई भी विकेट अगर गिरता है, पहले विकेट की साझेदारी अगर लंबी नहीं हुई है तो मैच गड़बड़ाया है। मैंने देखा है पिछले कई मैचों के विश्लेषण मैंने किए हैं। ये शॉट 30 यार्ड सर्किल के फायदे जब आप उठाते हैं तो ऐसे शॉट्स लगाए जाते हैं, बिल्कुल दूसरा रन होगा ही, रुकने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और इन दो रनों के जरिए मुजफ्फरपुर टीम का कुल योग चला गया, क्वार्टर सेंचुरी पूरी हुई है, 25 रन पूरे हो गए हैं। और दक्षिण के क्षेत्रों में जब मैं पुराने वक्त में कमेंट्री सुनता था सुशील दोषी जसदेव सिंह की, तो उस वक्त